क्या सोच रहे हैं? नहीं, थॉर जंजीरों में ये कैसे हुआ? देखो, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को लंबी कहानी है, पर बात यह है कि मैं हीरो हूं ना। दरअसल मैं पृथ्वी पे था, कुछ रोबोट से लड़ाई की, दो चार बार पृथ्वी को बचाया भी, फिर उसके बाद अंतरिक्ष में कुछ रंग बिरंगे इंफिनिटी स्टोन्स को ढूंढने निकला, कुछ नहीं मिला। मिला तो एक कांटो भरा रास्ता जिसमें मिली मौत और बर्बादी, ये जंजीरें, आखिरकार ये पिंजरा, और यहां मिले तुम। दुख होता है ना किसी के झूठ से, जब बताया जाए कि तुम कुछ हो फिर पता चले कि सब बकवास है। अब ऐसी घटिया जगह में मैं सचमुच तो तुमसे मिलने नहीं आऊंगा ना, तो तुम मेरी मदद नहीं चाहते। मैं ग्रैंड मास्टर के साथ रिश्ता बिगाड़ नहीं सकता, बहुत वक्त लगा है उसका भरोसा जीतने में, वो पागल है मगर बस में किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है अगर तुम मेरे साथ ग्रैंड मास्टर की तरफ आ जाओ और फिर सही वक्त पे कहीं कोई हादसा हो और फिर। तुम सचमुच वापस जाने की तो नहीं सोचे हो ना? हमारी बहन ने सिर्फ एक झटके में तुम्हारे हथौड़े को चूर चूर कर दिया, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, हम दोनों से ज्यादा ताकतवर है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? पता है मैंने उसके चैंपियन खिलाड़ी को तो नहीं देखा, पर सुना है कि वो बड़ा ही खूंखार जानवर है। मैंने बड़ा सट्टा खेला है तुम्हारे खिलाफ, निराश मत करना। रुको, सुनो, वैल्करी तो महान है, एस्गार्ड की वीरांगनाएं जो सुरक्षा को प्रतिबद्ध है। नहीं, मैं ओडिन के घरेलू झगड़ों में दोबारा नहीं पड़ने वाली। घरेलू झगड़ा मतलब? तुम्हारी बहन, उसकी शक्ति भी एस्गार्ड से है जैसे तुम्हारी। जब वो हद से बढ़ गई तो उसने महल में कत्लेआम किया और ओडिन की गद्दी छीनने की कोशिश की। जब उसने सजा से भागना चाहा तो ओडिन ने वैल्करी को उससे लड़ने भेजा। मैं सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि देखो, मैंने ओडिन पे भरोसा करके एक बार हेला का सामना किया और मेरा सब कुछ छिन गया। पर इस बार ऐसा लगा जैसे गाड़ी उसके हाथ में और मैं पीछे डिक्की में बंद हूँ। देखो, तुम वापस आ गए, फिलहाल बस इतना काफी है। नहीं यार, ये काफी नहीं है। जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं हल्क बना तो फिर बैनर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और इस वक्त हम एक ऐसे ग्रह पर फंसे हुए जो मुझे हल्क बनाने पे तुला हुआ। हम फंसे नहीं है, मैं घर जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। थैंक यू। नहीं, पर तुम्हारा घर नहीं, एस्गार्ड मेरा घर। बहुत अच्छे पहलवान, पता नहीं अल्ट्रॉन कहाँ जा रहा है पर तुम बहुत ऊपर बहुत तेज जा रहे हो, तो मेरे लिए इस चिड़िया को घुमा लोगे? तुम्हारी अदृश्य स्थिति की वजह से हम तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे, तो जरा मेरी मदद करो। जरा मेरी मदद। तुम बुद्धू एवेंजर नहीं हो, कोई भी तुम्हें बुद्धू एवेंजर नहीं कहता। जाने दो। पर तुम यूं ही लोगों पे चीजें नहीं फेंक सकते, मैं मर सकता था। पता, सॉरी, हाल कितना गुस्सा हो जाता, और हमेशा गुस्सा। जानता हूँ, हम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, दोनों के भेजे का फ्यूज शॉर्ट है। सेम टू सेम, आग जैसा और पानी जैसा। वैसे हम दोनों आग जैसे हैं, पर हल्क असली आग, हल्क जैसे ज्वालामुखी, थोर जैसे मोमबत्ती। हल्क, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। देख सकता हूँ पर तुम बहुत दूर हो। क्या हो रहा है यहाँ? आओ खुद ही देख लो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हेला की शक्ति एस्गार्ड से है और हर दिन बढ़ती जा रही है। चलो, हेला खून की प्यासी है, उसे रोका नहीं गया तो वो नवग्रह क्या सारा ब्रह्मांड निकल जाएगी। तो मैं यहाँ होना चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ। तुम उस ग्रह पे हो जो ब्रह्म द्वारों से घिरा हुआ है, एक चुन लो। कौन सा? सबसे बड़ा। इधर पिच्छू को देखो, ये जो पत्थर हाथ हिलाती वो मई चू। इधर आओ, हम भी जीता जागता हस्ती है। रुको, पहचान करा था, मेरा नाम है कोग और मैं यहाँ का समझो नवाब भाई। मैं पूरा पत्थर का बनाया है, दिखता है ना? पर पत्थर का देख के घबराना ना को, तुम्हारा बॉडी शीशे का तो नहीं बनाना बिरादर। क्या जोक मारा मैं, लेकिन तेरे को समझाना ही। ये अपन का खासम खास दोस्त है मीक, मुंह से कीड़ा और हाथ से छुरी। तुम्हें क्रोनन हो है ना? सही पहचाना। यहाँ कैसे आए? क्या बताऊं मियां, मैंने बगावत शुरू करने का ट्राई किया पर कोई आया ही नहीं, पर्चे कम पड़ गए ना। बस एक मेरी मम्मी और उनका आशिक आया टर्की कहीं का, और फिर इधर को मेरे को भेज दिया पहलवान बना के। मेरा बगावत का आइडिया ही फ्लॉप हो गया, लेकिन अपन इधर से दोबारा बगावत करने वाला है। मैं हूँ हेला, ओडिन की पहली संतान, एस्गार्ड के लश्कर की कमांडर, इस राजगद्दी की असली वारिस और मौत की देवी। मेरे पिताजी नहीं रहे और ना ही उनके बेटे, अच्छा ही हुआ।
एक समय था जब हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति थे, हमें चुनौती देने वाला कोई नहीं था, मगर ओडिन ने नवग्रहों से आगे कुछ सोचा ही नहीं। हमारी किस्मत में सारे ग्रहों पर राज करना लिखा है और मैं उस सत्ता को फिर से कायम करने आई हूँ। घुटने टेको मेरे आगे और आओ मेरी इस महाविजय में शामिल हो जाओ। लौंडा तगड़ा है, लौंडा ही है ना? हाँ लौंडा ही है। हाँ, मजा आता है जब भी तुम आती हो 142। तुम बेस्ट माल लाती हो, सबसे बेस्ट। मैं जब भी इसकी बात करता हूँ टोपेज़ स्क्रैपर 142 की, तो क्या कहता हूँ, यही के ये है। बोलो बीफोर क्या? कचरा। नहीं कचरा नहीं, तुम्हें तो बस मौका चाहिए। कचरा की स्पेलिंग बी से नहीं होती। तुम्हारा मायाजाल तोड़ना आसान नहीं था, तुम्हारी माँ को गर्व होता। आओ मेरे साथ बैठो, ज्यादा वक्त नहीं है। हमने आपको निराश किया मगर अब और नहीं करेंगे। निराश तो मैंने किया, आफत सर पे आ चुकी है रैग्नारोक। नहीं आफत टल चुकी है पिताजी, मैंने स्वेटर को मार दिया है। नहीं शुरुआत हो चुकी है, वो आ रही होगी। मेरी सांसों का चलना उसे रोके हुए था, पर मेरा समय आ गया है, अब मैं उसे और नहीं रोक पाऊंगा। पिताजी आप किसकी बात कर रहे हैं? मौत की देवी हेला, मेरी पहली संतान, तुम्हारी बहन। दरअसल मैं एक लिस्ट रखता हूँ इंसानों और एलियंस की जो हमारी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। तुम्हारा सौतेला भाई लोकी भी उस लिस्ट में शामिल है। वो हर बुरी लिस्ट में होता है। तो फिर उसे यहाँ क्यों लाए हो? हम अपने पिता को ढूंढ रहे हैं। तो अगर मैं ओडिन का पता बता दूं तो सारे बिन बुलाए मेहमान वापस एस्गार्ड चले जाएंगे? फौरन। बढ़िया, तो मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें पता था कि वो कहाँ आए तो तुमने फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी जिद थी कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। तुम्हारे पिताजी ने खुद अपना अकेलापन चुना है और तुम्हारे पास फोन भी नहीं है। नहीं फोन तो नहीं है, पर तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी भेज सकते थे, उसे ईमेल कहते हैं। कंप्यूटर है तुम्हारे पास? नहीं, किस लिए? खैर अब पिताजी को अकेले रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दो कहाँ है तो मैं उन्हें घर ले जाऊं। खुशी से, वो नॉर्वे में है। रुको, ओहो हो, देखो तो कौन आया है। आते ही लड़कियों को डरा दिया और ये भेजा फ्राई फैला दिया। कौन हो तुम? भूल गए क्या मुझे? मैं उस कर्च वैनाहाइम में हम साथ लड़े थे। अच्छा, हाइमडल कहाँ है पता है? वो राजद्रोही कोई नहीं जानता, भाग के आप पकौड़ा। द्रोही? हाँ, हुआ ये कि ओडिन ने हाइमडल पर काम चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन वो सुनवाई के पहले ही गायब हो गया। जो सब कुछ देख सकता है उसे ढूंढना तो मुश्किल ही होगा। हाँ। रुको रुको, तुम्हारे आने की घोषणा तो कर दूं। हाँ तो रैग्नारोक, बताओ जरा क्या है ये प्रलय? मेरा समय आ गया है, जब मेरा मुकुट और अनंत अग्नि मिलेंगे, मेरी शक्ति चरम सीमा पे होगी, पर्वतों से ऊंचा होगा मेरा मस्तक और मेरी तलवार की नोक पे होगी एस्गार्ड की। भाई एक सेकंड, कसम से मैं हिल भी नहीं रहा, ये अपने आप ही घूम रहा है। एक सेकंड भाई, सॉरी। अच्छा तो बात को समझने दो, तुम अपने इस मुकुट को अनंत अग्नि में डालोगे और फिर बड़े हो जाओगे जैसे कोई बरगद, जैसे पर्वत। वही अनंत अग्नि जिसे ओडिन ने छुपा रखी है एस्गार्ड में? ओडिन एस्गार्ड पर नहीं है, और तुम यहाँ हो तो एस्गार्ड को बचाएगा कौन? अच्छा तो कहाँ है वो मुकुट? यही है मेरा मुकुट, मेरी शक्ति का स्रोत। हाँ ये तुम्हारा मुकुट है, मुझे लगा तुम्हारा एंटेना है। ये मुकुट है। ठीक है तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि रैग्नारोक को रोकने के लिए मुझे तुम्हारा एंटेना उखाड़ना है। रैग्नारोक की शुरुआत हो चुकी है, तुम उसे रोक नहीं सकते। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या चीज पसंद आई और आगे चलकर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।